अस्सलाम वालेकुम आज मैं एक कहवा बना रही हूँ जिसमें एक ख़ास चीज़ डालेंगे और उस ख़ास चीज़ के डालने से खांसी नजला सीने की जकड़न ज़ुकाम गले की सोजिश और ख़राश से मुकम्मल आराम आ जाएगा और वो ख़ास चीज़ बताने से पहले मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और बताती हूँ कि इसको कहवे को कैसे बनाना है तो कहवा बनाने के लिए मैंने दो कप पानी लिया है अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है पानी में अदरक को शामिल करेंगे दो लौंग हैं दो काली मिर्चें हैं और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है अब लौंग काली मिर्चें भी पानी में डाल दी साथ में मैंने यहाँ पर एक हरी इलायची ली है और ये पूरी इलायची है और साथ बड़ी इलायची के चंद दाने लिए हैं पूरी बड़ी इलायची नहीं लेनी है बल्कि इसके चंद दाने ले लेने हैं दोनों चीज़ों को हमने अब यहाँ पर पानी में शामिल करना है और साथ में जो मैंने आपको दालचीनी का टुकड़ा बताया था वो भी मैंने पानी में डाल दिया है अब मैंने लिए हैं यहाँ पर सौंफ सौंफ लिया है मैंने क्वार्टर चाय का चम्मच सौंफ को भी पानी में डालेंगे क्योंकि सौंफ से भी गला बहुत अच्छा साफ होता है और साथ में यह मैंने लिया है मेथी दाना मेथी दाना भी मैंने क्वार्टर चाय का चम्मच लिया है मेथी दाना को भी पानी में शामिल करेंगे पानी बॉयल हो रहा है आज अभी फ़िलहाल तेज़ है जैसे ही पानी बॉयल होने लगेगा एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो मैंने चूल्हे को कर दिया है आहिस्ता और अब इसको पाँच मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि तमाम अज्जा का अर्क इसमें से अच्छी तरह से बाहर आ जाए अब कहवा बहुत अच्छा सा तेज़ आंच पर पक रहा है पाँच मिनट बाद मैंने आंच तेज़ कर दी थी कुछ तेज़ को तेज़ आंच पर पकाना है और अब इसमें डालना है मैंने अपना ख़ास इन्ग्रीडियंट लेकिन आपने जब इस क़े को इस्तेमाल करना है तो उसके बाद ठंडा पानी या ठंडा मशरूम कोई चीज़ नहीं कुछ देर इस्तेमाल करनी है और दिन में आप इसको एक से दो बार ज़रूर इस्तेमाल करें अब यहाँ पर मैंने लिया है ख़ास इंग्रेडिएंट जो है अमरूद का पत्ता मैंने अमरूद का एक पत्ता लेकर उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और उसको पानी में डाल दिया है एक से दो बॉयल इसको आने देंगे तो चूल्हा यहाँ पर हम कर देंगे बंद देखिए एक से दो बॉयल आ जाएंगे तो मैंने यहाँ पर चूल्हा बंद कर देना है और एक मिनट के लिए इसको दम पर रख कर पकने देना है दम पर रख कर छोड़ दिया चूल्हा बंद था एक मिनट बाद अब हम अपने कहवे को प्याली में छान कर निकाल लेंगे आपने इस कहवे का इस्तेमाल एक से दो बार करना है और कहवा इस्तेमाल करने के बाद पानी या ठंडी चीज़ कोई नहीं पीनी है यहाँ पर आप मीठे के लिए हनी डाल सकते हैं लेकिन अगर शहद मौजूद नहीं है तो आप चीनी डाल लें और अगर आप चीनी नहीं पीना चाहते हैं तो कोई बात नहीं आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कहवा तैयार हो चुका है इस खास रेसिपी को ज़रूर आज़माइएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें तो अब अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज